बिहार लाइव सेवन खबर की तह तक। जहानाबाद के होरिलगंज में स्थित बाल विद्या मंदिर में भारतीय डाक विभाग द्वारा आयोजित दीनदयाल स्पर्श योजना के अंतर्गत चयनित छात्र छात्राओं को 6,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया। विदित हो कि विगत महाविद्यालय में भारतीय डाक विभाग द्वारा दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में पूरे बिहार प्रमंडलीय से 1500 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें 10 बच्चे चयनित हुए। गर्व की बात यह है कि उस 10 बच्चों में से 7 बच्चे बाल विद्या मंदिर जहानाबाद से चयनित हुए हैं। उन सभी बच्चों को वरीय डाक अधीक्षक गया प्रमंडल गया रास बिहारी राम द्वारा 6,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया। प्रत्येक वर्ष इंटर तक इन बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में 6,000 रुपए दिए जाएंगे। विद्यालय से चयनित होने वाले बच्चों में छात्र आयुष राज, सूरज कुमार, साधना कुमारी, सुभी कुमारी, नैतिका कुमारी, सुप्रिया कुमारी, अनुष्का कुमारी सहित अन्य बच्चे शामिल रहे। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक अक्षय कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आगत अतिथियों का स्वागत किया एवं अपने संबोधन में सभी सफल बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर मुख्य अतिथि डाक अधीक्षक गया प्रमंडल रास बिहारी राम ने कहा कि बच्चों की जो यह सफलता है वह सराहनीय है। हम इन सभी बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत ही गौरव की बात है कि पूरे गया प्रमंडल में होने वाली इस प्रतियोगिता में चयनित 10 बच्चों में से 7 बच्चे आपके विद्यालय के हैं। आपका विद्यालय एवं आपके विद्यालय के बच्चे आगे चलकर अवश्य ही सर्वोच्च श्रेणी की सफलता प्राप्त करेंगे। आगे इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन पूरे प्रमंडल स्तर पर होना है और जो भी बच्चे इस प्रतियोगिता में चयनित हुए हैं उन सभी बच्चों को इंटर तक डाक विभाग की तरफ से दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपए की छात्रवृत्ति के तौर पर दिया जाएगा। इस मौके पर डाक अधीक्षक कन्हैया प्रसाद सिंह, दिनेश शाह, डाक निरीक्षक रवि प्रकाश, केशव लाल, रंजीत कुमार, अभय कुमार, जनसंपर्क पदाधिकारी डाक विभाग जहानाबाद एवं विद्यालय के समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे। भारतीय डाक विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत बच्चों के प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस योजना के तहत प्रतिभाओं को निखारने के लिए परीक्षा 2 चरणों में लिया जाता है और दोनों चरणों में सफल बच्चे को 1 साल के लिए प्रत्येक माह 500 के दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। ये बच्चे जो है भारतीय डाक विभाग के तहत फिलाटेली डाक टिकट संग्रह ब्यूरो से जुड़ करके उसमें अपना खाता खोल करके ज्ञानवर्धन की जो भी चीज़ें फिलाटेली से जुड़ी हुई होती है उसे प्राप्त करते हैं। नए नए जो स्टाम्प रिलीज होते हैं, माई स्टाम्प बनते हैं, उससे जुड़ते हैं और जुड़ करके देश विदेश भारतीय संस्कृति सभ्यता भौगोलिक राजनीतिक सब चीज़ की जानकारी लेते हैं, अनेक किस्म की परीक्षाएं देते हैं, उसमें सफल होते हैं। इनका जीवन जो है सुखमय होता है, ये आगे बढ़ते हैं और बच्चे को कर्णधार समझ करके भारतीय डाक विभाग ये हर साल जो है इस तरह के दीनदयाल स्पर्श योजना की परीक्षा का आयोजन करता है। बाल विद्या मंदिर के बच्चों का कैसा रहा है? बाल विद्या मंदिर ये परीक्षा जो है पूरे बिहार स्तर पर हुई है। बिहार स्तर में गया प्रमंडल का जहानाबाद जिला से 8 बच्चे चयनित हुए, जिसमें 8 में 7 के साथ बाल विद्या मंदिर से बच्चे चयनित हुए। इस मगध प्रमंडल में पहला यह डिवीजन हुआ जहाँ के बच्चे यहाँ से इस छात्रवृत्ति में लाभ ले रहे हैं और मेरे पीरियड में पहली बार ये बच्चे जो है सफल हुए हैं। सबसे पहले तो आप लोग इससे बाल विद्या मंदिर के कैंपस में आए, विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग के विद्यालय की बहुत खुशी का दिन है कि पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत बच्चों को एग्जाम लिया गया था, जो भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में 6,000 रुपये दिया जाता है। हमारे बच्चे ने उस प्रतिभा में भाग लिया और वह जीत गया, मतलब वह पास कर गए और पास करने के बाद पोस्टल डिपार्टमेंट के लोग आए और सभी बच्चों को अभिभावक को बुला करके 6,000 का चेक प्रदान किया। क्या उपलब्धि मानते हैं इसको आप?
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिहार में 1500 बच्चे ने इसमें भाग लिए थे, पूरे बिहार का। उस 1500 बच्चे में जहानाबाद के बच्चे ने 8 पास किए, 2 किसी और जिला के थे, और उस 1500 बच्चे में टोटल सीट 10 निकला पूरे बिहार में, और उस 10 बच्चे में 8 बच्चे जहानाबाद के थे, जिसमें 7 बच्चा इस बाल विद्या मंदिर का था। हम बच्चों को बहुत बड़ी इसमें उपलब्धि देते हैं, और खासकर शिक्षक को, इन्होंने बच्चों को तैयार किए उसके लायक, और तैयार करके उस लायक बनाया। उस 1500 में पूरे बिहार में 7 बच्चा इस बाल विद्या मंदिर विद्यालय का है। और भी बच्चों को क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? इस कार्यक्रम के बारे में मैंने बच्चों को बताया कि कोई भी एग्जाम को छोटा लेके मत चलिए, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आने वाला भविष्य आपको कब किधर करवट ले लेगा कहना मुश्किल है, इसलिए कि हमारे बच्चे जो आज पास किए हैं, ये बच्चे इसको हल्का लेके चल रहे थे। मैंने उनको कन्विंस किया कि बाबू ऐसा मिलेगा, ये भारत सरकार की योजना है, ये भारत सरकार की योजना है कि जो भी ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से लाचार हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनको 6000 रुपया इंटर तक हम देंगे, जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई सामग्री और बहुत सारी अपनी जरूरी वाली चीजें जो है अपने स्तर से कर सकते। किस रूप में शुभकामनाएं देंगे आप? हम बच्चों को यही शुभकामना देंगे कि आगे और निरंतर बढ़ते रहें, इस तरह के आयोजन में शामिल होते रहें, और इससे भी अधिक अमाउंट लेकर के अपने परवरिश करें खुद। इतना ही नहीं, इसके पहले बिहार में हमारे एक बच्चे हैं, उसका उन्होंने 10000 लिया है और वो नेशनल के लिए चला गया। नेशनल में देखिए वो कितना लेके आते हैं, वो नेशनल के लिए तैयारी कर रहा है, बिहार में उसने 10000 लिया पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू। इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? इसमें पूरे भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की राजनीतिक स्थिति से लेके पूरे हर एक तरह क्षेत्र से पूछा जाता है। जो थोड़ा सा बच्चा किताबी ज्ञान से हटकर उसको दिमाग में रहता है, वो बच्चे निकल जाते हैं। और यही कला के क्षेत्र में पूछा जाता है, पिक्चर बनाने के लिए दिया गया था, पूछा गया था कि आने वाला भारत कैसा हो, इसके विषय में आप निबंध लिखिए। ये सब चीज को जोड़ करके बच्चों का रिजल्ट निकाला गया, जो हमारे बच्चे ने अच्छा किया प्रदर्शन, और बहुत ही हमारे तरफ से बच्चों को बहुत शुभकामनाएं, शिक्षक को शुभकामनाएं, और उनके माता पिता अभिभावक को भी, जो बच्चों को इस तरह से बराबर मोटिवेट करते रहते हैं, हमारे साथ खड़ा रहते हैं। डाक विभाग के द्वारा संचालित दीनदयाल छात्रवृत्ति योजना में पूरे बिहार में 1500 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें 10 बच्चे का सिलेक्शन हुआ, और उन 10 बच्चों में 8 बच्चे हमारे जहानाबाद जिला से हैं, और जहानाबाद जिले के विभिन्न स्कूलों के बच्चों के बाद यहाँ इस स्कूल बाल विद्या मंदिर के 7 बच्चे इसमें पास किए हैं। यह बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे जहानाबाद जिला में बाल विद्या मंदिर इस तरह की शिक्षा दे रहा है कि जिससे हमारे बच्चों का भविष्य राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर परिलक्षित हो रहा है।